आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करूंगा। बहुत सारे रनर्स का हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो चाहे 1600 मीटर भागता हो, चाहे 5 KM, चाहे 10 KM, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, सब में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बोलते हैं कि हम लोग ये डिस्टेंस करना चाहते हैं, हम कर नहीं पा रहे, हम जल्दी थक जाते हैं, हमारे मसल्स हमारे थक जाते हैं, हमें रुकना पड़ता है और सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है और अलग 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 बात है। तो मैं इन सबको आज समझाने की कोशिश करूंगा होता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे को समझना कि हमारा जो जब भी हम चाहे रेस्ट में चाहे हम बैठे हुए हैं, तब भी जो हमारा मसल्स हैं वो हमारा एक एरोबिक मसल फ्यूल यूज कर रहे हैं और एक एनारोबिक फ्यूल कर रहे हैं। ये हमारे सेल्स जो है उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी का एक इंजन है जिसमें आप फ्यूल डालते हैं तो वो पावर देता है। अब वो जो जब जो हमारा ये पावर देता है वो पावर के साथ जो रेजिड्यूल बचते हैं, जैसे कि हमारा अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो जो हम फ्यूल बर्न होता है तो उसके रेजिड्यूल वो धुआं वगैरह सब निकलता है, इसी प्रकार से उसका रेजिड्यूल जो है वो लैक्टेट होता है। नाउ क्या होता है, ये लैक्टेट जो है वो हमारे ब्लड में आता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि हमारा वो लैक्टेट जो है वो हमारे ब्लड में आता है, वहां से लिवर में जाता है, लिवर उसको वापस फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे को सेल्स को वापस ऐसा फ्यूल मिल जाता है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। तो हमारे को क्या होता है कि हमारे को कभी भी लैक्टेट जमा नहीं होता ब्लड में, और लैक्टेट एसिड बेसिकली हमारे ब्लड का पीएच के लिए एसिडिक बना देता है, पीएच कम कर देता है। नाउ मैं आपको ध्यान से समझाऊं आप कि अगर मैं एक ग्राफ लूं और इस ग्राफ में इस पे मैं इंटेंसिटी वर्कआउट करूं, यानी मैं कितनी इंटेंसिटी से भाग रहा हूं, कितनी तेजी से भाग रहा हूं, कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूं, और इस पे मैं लैक्टेट के बारे में बात करूं कि मेरा लैक्टेट क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप रेस्ट पे हो तो भी आपकी बॉडी कुछ लैक्टेट प्रोड्यूस कर रही है, वो लैक्टेट प्रोड्यूस कर रही है, वो आपने थोड़ा सा दौड़ना शुरू किया स्लो स्पीड पे, आपका अभी भी सेम लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है जितना लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है वो लैक्टेट को वापस अपने लिवर के थ्रू वापस फ्यूल बना रही है, जमा नहीं होने दे रही। दैट मीन्स हम जब भी कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, हम हमारे ब्लड में कितना लैक्टेट है वो चेक करते हैं, ना कि हम वो चेक करते हैं कि हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैंने ऐसे अपना थोड़ा सा और तेज भागना शुरू किया, मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया या हल्का हल्का बढ़ता गया, जब तक कि एक ऐसी स्पीड आई जिस स्पीड के बाद मेरा लैक्टेट बहुत तेजी से बढ़ा। ये जो स्पीड है आपकी, ये स्पीड, इसको लैक्टेट थ्रेशोल्ड स्पीड बोलते हैं। इस स्पीड के बाद अगर आपका आप भागोगे तो आपका लैक्टेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। लैक्टेट बढ़ने से क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया ब्लड का जो हमारा पीएच होता है वो 7.4 करीबन होता है। लैक्टेट जो होता है वो एसिड होता है, वो एसिड क्या करता है, सबसे पहले इमीडिएटली आपका ब्लड पीएच को गिरा देता है, वो 7 या उससे भी नीचे गिराता जाएगा। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस क्या होता है, बॉडी अपने ब्लड के पीएच को लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर बराबर करती रहती है, लेकिन हमारे बॉडी का जो पीएच है वो इतनी तेजी से बढ़ता है इस थ्रेशोल्ड के बाद कि हमारा जो लंग्स है वो काफी नहीं होते, वो ब्रीदिंग हमारी फास्ट होती जाती है फिर भी वो काफी नहीं होता और वो बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए पीएच गिरता जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझने की ये है कि हमारा जो ब्लड का पीएच है वो जब गिर जाता है नीचे तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गन जो है जो इस पीएच को डिटेक्ट करता है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है। यानी कि हमारा ब्रेन के अंदर जो बैरियर बाहर ब्लड नहीं जाता लेकिन सेंसिटिव होता है वो पीएच के लिए, जब वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि पीएच गिर रहा है तो उसको मालूम है कि ये लैक्टेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे मसल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो सबसे पहले इमीडिएटली सिग्नल भेजता है मसल्स को उनको रोकने के लिए या उनकी इंटेंसिटी कम करने के लिए। तो वापस से क्या होगा कि अपने हमारे जो वो स्पीड हमारी कम होती जाएगी, हम वापस इससे नीचे आ जाएंगे, हमारा लैक्टेट प्रोड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा सर्कुलेट। लेकिन एक बार अगर मैंने इसको क्रॉस कर लिया तो उसको वापस लेके आने में समय लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में लैक्टेट का लेवल जो है वो बढ़ गया है, इसको कंज्यूम कर वापस लाने में टाइम लगता है, इसलिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती और हमें रुकना ही पड़ता है, तो हम लोग जल्दी थक जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अब कैसे इसको इंप्रूव करें। कुछ रनर होंगे जो इस जिनकी ये 5 किलोमीटर में आ जाएगी, कुछ होंगे जो ये हाफ मैराथन फुल मैराथन भी रन कर लेंगे उनका नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग होती है जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग। थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग क्या होती है कि हम थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग के अंदर अपनी बॉडी को बार बार इस पे इस स्पीड पर इस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करवाते हैं।
उससे क्या होता है, मेरी बॉडी यूज टू हो जाती है कि इतना मेरे पास लैक्टेट आएगा, मुझे इसको सर्कुलेट करना है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये जो मेरा लैक्टेट फ्रीक्वेंसी है ये आगे चली जाएगी। दैट मींस मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, उसके बाद मेरा ये फ्रीक्वेंसी हिट हो रही है। इसको करने के तरीके क्या है, मुझे अपनी एक्सरसाइजेस इस लैक्टेट थ्रेशोल्ड पे करनी पड़ेगी। जनरली एक हार्ट रेट पे मिलता है हमारे को समवेयर अराउंड 82% हार्ट रेट पे प्लस अबाउट 5 लगा लें आप, तो इसके बीच में जनरली मेरा लैक्टेट थ्रेशोल्ड स्पीड निकलेगा। इस फ्रीक्वेंसी इस हार्ट बीट पे मैं अपने आप को लेके जाऊंगा तो मैं अपने थ्रेशोल्ड पे करूंगा। अगर मैंने थ्रेशोल्ड से कम में वर्कआउट किया तो मेरा थ्रेशोल्ड इंप्रूव नहीं होगा, अगर मैंने थ्रेशोल्ड से आगे वर्कआउट किया तो भी मेरा थ्रेशोल्ड इंप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो तुरंत रुकना पड़ेगा, मेरा ब्रेन मुझे आगे भागने ही नहीं देगा। इसलिए मुझे अपने आप को इस थ्रेशोल्ड स्पीड पे ही भागना है। अगर मैं इस पे भागता रहूंगा तो मेरा ये आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होता रहेगा। नाउ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे हाफ मैराथन करनी है लेकिन मैं 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर से ऊपर भाग नहीं पाता या भाग नहीं पाती। लेकिन उनका 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर में अगर उनसे पूछता हूँ कि क्या स्पीड है तुम्हारी, तो वो बोलते हैं हमारी बहुत अच्छी स्पीड है, हमारी पेस जो है वो 5 की है या 5.5 की है, लेकिन वो लोग पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो स्पीड ज्यादा रख रहे हैं। दैट मीन्स वो अपनी थ्रेशोल्ड जो स्पीड है उसको क्रॉस कर लेते हैं 10 किलोमीटर पे ही, तो वो भाग नहीं पाएंगे। अगर वो अपनी थ्रेशोल्ड की स्पीड से थोड़ा कम भागे तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन भाग सकते हैं। प्लस अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ट्रेनिंग करें तो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे भी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। एक और तरीका ये है कि अगर हम लॉन्ग टाइम पे इस पे काम नहीं कर सकते तो सबने सुना है समथिंग नोन एज HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, हम अपनी बॉडी को इस थ्रेशोल्ड पे हम थोड़ी देर तक काम करेंगे। थोड़ी देर तक काम करने के बाद हमारी बॉडी, अब हमको एक्यूरेटली तो पता नहीं है कि हमारे को कब हो रहा है, तो हमको कहीं रुकना पड़ेगा। जब हमारी बॉडी हमें फोर्स करेगी हमें रुकना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस इंटेंसिटी पे काम करेंगे, से फॉर ड्यूरेशन 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट, हम 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट तक काम करेंगे, फिर उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो हमारा हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए थे, हम वापस इधर आ गए, हमने ब्रेक ली, उसके बाद हमने वापस इस इंटेंसिटी पर काम किया। तो मैंने क्या किया, बार बार अपनी बॉडी को इस LTS पे लेकर गया और मैंने बार बार अपनी बॉडी को मजबूर किया कि वो ट्रेनिंग करे अपने आप को, कि वो ज्यादा से ज्यादा लैक्टेट यूज कर सके, दोबारा उसको फ्यूल बना सके, ताकि मेरी जो स्पीड्स हैं वो मैं अपनी उस वो स्पीड ज्यादा तक मेंटेन कर सकूं। दैट मीन्स एक रनर अगर से 4 मिनट की पेस पे भागना शुरू करता है और वो बोलता है कि जब मैं भागता हूं तो मैं स्लो होता जाता हो जाता होता उसके अंदर रुकना पड़ जाता है। दैट मीन्स हमको क्या करना है, हमको उसकी स्पीड ऐसी बनानी है कि वो 4 पे ज्यादा देर तक भाग सके। दैट मीन्स हमें थ्रेशहोल्ड ट्रेनिंग करनी है। इसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप ना ही 1600 meters या 5 kilometers बट अप टू अल्ट्रा मैराथन आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि हमें कैसे उसकी ट्रेनिंग करनी है और कैसे हमें अपना थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है और कैसे हमें अपने ड्यूरिंग द रेस अपने आप को थ्रेशोल्ड से नीचे रखना है, जिसकी वजह से ना आपका लंग्स सफर करेंगे, ना आप थकोगे, ना आपका pH बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू।